बताए अच्छे बताए बुरे बताए आप बताए अच्छे हैं कि नहीं अच्छे थे कि नहीं। अब अगर क्योंकि पांच साल के बाद लोकतंत्र का एक सिस्टम है जमहूरियत डेमोक्रेसी सिस्टम क्या है, हर पांच साल के बाद पॉलिटिकल पार्टियों को जनता के पास जाना पड़ेगा, जिसके पास पहले से लाइसेंस है उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, जिसके पास पहले नहीं उसको नया लेना पड़ेगा। अब ये आपके हाथ में है हमारा लाइसेंस रिन्यू करना है कि नहीं करना। करेंगे करेंगे करेंगे। तो इसलिए ही हम ये आशीर्वाद यात्रा के लिए यहाँ पर ये मौलाना की ये मौलाना भराड़ा की धरती ये तीर्थ नगरी है, ये तीर्थ नगरी है। एक प्रकार से इलाके में संत महापुरुष, वैसे तो ये शिवालय के नीचे का सारा इलाका संतों महात्माओं के उनकी तपस्या का इलाका है, तीर्थ गंगरों का इलाका है, संतों ने बैठ करके नदियों के किनारे तपस्या की। हमारे विधानसभा के अंदर से प्रभात नदी मार्कंडेश्वर जिसको हम कहते हैं बाबा मार्कंडेश्वर के द्वारा वो निकाली गई नदी, उसका हम नित्य दर्शन करते हैं। यहाँ पर इसी इलाके से सरस्वती नदी यानी बात सही है यमुनानगर और मुस्तवाद जिसको कहते हैं, मुस्तवाद का नाम सरस्वती नगर हो गया मालूम है आपको। इसका नाम 1984 में संयोग में मैं वहां गया था, मुझे लिखा इसका नाम मुस्तवाबाद। मैं जब वो तालाब और कुंड जो पैड़ी बनी हुई थी तो ये घाट है, मैंने कहा किसका घाट है, ये सरस्वती नदी का घाट है। देखा छोटा सा तालाब सा गंदा सा पुरानी नदी क्या मतलब हुआ, सरस्वती नदी पौराणिक नदी हमारा इतिहास के अंदर नाम है। तो आज से इस नगर का नाम भी मुस्तवाद गिर गया, सरस्वती नगर कर दो। सन 1984 में कर दिया था 35 साल पहले, ये लग रहा था कि सरकारी कानून अब हमारे के बाद हुआ है। और सरस्वती नदी वो निकलती थी आदि नगर से निकलती है, आदि नगर से लेकर के और कैंसर जिले में जब घर में बच करती है पूरा रास्ता उसका साफ कराएंगे और उसमें प्रवाहमान पानी लगातार पानी चलेगा, एक डैम बनाएंगे हम आदि नगरी का। तो ऐसे छोटे छोटे डैम शिवालय के किनारे हम बना रहे हैं ताकि उनका पानी लगातार इस इलाके में और सिंचाई के भी काम आता रहे, रिचार्ज के भी काम आता रहे, कहीं बाढ़ आती तो बाढ़ भी उसे रुक जाए तो उसका सारे का लाभ हमको होगा। हम यहाँ कोई भी काम विकास के नाते या जो समाज को सुधारने के काम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब ये समाज सुधार कर रहे हैं, इससे कोई वोट नहीं मिले, वोट तो नहीं मिलेगा। लेकिन हमने चिंता की आगे की कि अगर मनुष्य और स्त्री का पुरुष और स्त्री का अगर संतुलन बिगड़ गया समाज के अंदर तो बहुत प्रकार की ऐसी अनैतिक बातें में 933 का रिकॉर्ड हमारा बना है, वार्षिक 914 पर आगे खड़ी हो गई है, हम कहेंगे 950 तक इसको समाज के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। हम अपील करते हैं संस्थाओं को एनजीओ को पंचायतों को खाप पंचायतों को जितने भी प्रकार के संगठन हैं समाज के अंदर संदेश देना चाहिए और ये हर परिवार का ये मामला हरियाणा की बेटियां खेलों में क्या शिक्षा में क्या विज्ञान में क्या अंतरिक्ष ज्ञान में क्या, हमारी कल्पना चावला बहन अंतरिक्ष की ज्ञानी हो गई, वो सैटेलाइट उड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से बेटियां बेटों से कम नहीं है, बेटियां पैदा हो तब भी कुआं पूजो तब भी खुशी मनाओ तब भी लड्डू बांटो छत पर चढ़ करके और थाली बजाओ, ये बेटी के पैदा होने पर भी खुशी इसका इजहार होना चाहिए। स्वच्छता
ग्रामीण क्षेत्र की स्वच्छता में देश में प्रथम आया है, हमको प्रधानमंत्री ने बुलाकर के पुरस्कार दिया है। हमारे यहाँ पर्यावरण इसको अच्छा करने के लिए हम काम कर रहे हैं, पेड़ उगाने के लिए स्कूल के बच्चों का भी सहयोग ले रहे हैं, हम किसानों के लाभ के लिए उनको किसी प्रकार की कठिनाई, क्योंकि कभी फसल बेचने की कठिनाई आती है, कभी मुआवजा खराबा हो जाए तो मुआवजा नहीं मिलता है, कभी बैंक से झगड़ा है, कभी बीमा कंपनी से झगड़ा है, इसके लिए हर एक किसान को कहा है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इसमें जाकर कंप्यूटर पर अपना सारा जो खाता बही खाता बता दो कि मेरे इतने किले मैंने बोए हैं और मेरी चढ़ाओ, कल को सरकार को योजना कोई भी कठिनाई और उस योजना बनाने में लाभ किसान का है। इसमें बिचौलिए जो है जो गड़बड़ करते हैं उनकी गड़बड़े रुक जाएंगी, चाहे वो सरकार का कोई अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई हमारा माल खरीदने वाला कोई आदमी हो, चाहे कोई बीच में देखिए इतनी बड़ी सभा में ये क्वेश्चन आंसर नहीं होता, आप अलग से मुझे मिलना, आपके हर प्रश्न का उत्तर दे। न पसंद आए तो भाइयों यही छोड़ जाना, साथ ले जाने की जरूरत नहीं है, मेरी बात पसंद आए तो साथ ले जाना है, नहीं कोई बात होगी तो कोई भी आदमी मुझे बताएगा, मैं उसको उसका पालन करूंगा। ऐसे भी चुनाव से पहले हमने संकल्प यात्राएं, संकल्प घुमाई है, रथ घुमाए हैं, उन रथों में हमने कहा कि कोई भी आदमी शासन कैसा हो, कौन सा विषय हमको लेके चलना है, आप हमको लिख करके दीजिए। 1,00,000 से ज्यादा सुझाव हमारे पास आ गए हैं, सबका अध्ययन किया जा रहा है, नई पारी में आएंगे तो उसमें से जो जो करनी है सबका जिक्र अपने संकल्प पत्र में करेंगे। एक जिक्र मैंने आज कर दिया है, उसमें से जो आने वाला है कि हम अपने परिवारों की पहचान के लिए एक परिवार पहचान पत्र ये बना रहे हैं, और उस परिवार का नवजात शिशु से लेकर और जीवन के अंतिम पड़ाव पर जो व्यक्ति है वहां तक उस व्यक्ति की सारी जानकारियां, उसकी सारी जरूरतें और वो व्यक्ति कितना उपयोगी है, क्या उसमें गुण है, वो सारे भी हम समाज के लिए उपयोग करेंगे। और उस व्यक्ति को जितने 2.5 करोड़ लोग हैं सबका हम हिसाब रखेंगे, सबको ट्रैक करेंगे कि किसकी क्या जरूरत है, बच्चा है तो ध्यान रखेंगे कि उस बच्चे को वैक्सीनेशन का टीका लग गया कि नहीं लग गया, बच्चों को लगवाना होता है, कुछ लोग नहीं लगवाते हैं, हम दर्ज करेंगे रिकॉर्ड, जो नहीं किया होगा घर भेजेंगे आदमी को, भाई बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा है कर लो। 5 साल से लेकर 15 साल तक बच्चा स्कूल में है, गया कि नहीं गया, बाहर तो नहीं घूम रहा, अगर कोई बच्चा स्कूल के नाम में नहीं होगा उस बच्चे को ट्रैक करेंगे, आखिर कहां गया बच्चा, स्कूल में क्यों नहीं जाता, माँ बाप उसको क्यों नहीं पढ़ने, या बच्चा जिद्दी होकर के बाहर क्यों नहीं निकल गया, उसको ट्रैक करेंगे ताकि 15 साल तक अच्छी पढ़ाई वो करे, उस बच्चे का पढ़ाई का स्तर क्या है, स्तर बढ़ाने के लिए भी स्कूलों में माँ बाप के पास सबको जाकर के बच्चे की और उसका लेवल कैसे अच्छा हो। हमारी कांग्रेस सरकार के लोगों ने एक पॉलिसी बनाई, नो डिटेंशन पॉलिसी, मालूम है क्या थी, पढ़े ना पढ़े, पहली पास, दूसरी पास, तीसरी पास, 8वीं तक कोई ब्रेक ही नहीं लगती थी, बिल्कुल स्कूल में ना भी जाए तो 12-13 साल तक 8वीं पास करा के घर भेज देते थे। 9वीं में जाता था उस बच्चे को कहते थे बेटा 5 और 5 कितने होते थे, वो कहते बापू मुझे पता नहीं है, अरे 5 और 5 कितने होते हैं, चौथी का बच्चा बताता, कहते मैंने पढ़ा ही नहीं, ना मास्टर ने पढ़ाया, ना मैं पढ़ा, ना मेरा इम्तिहान हुआ, तो ये हालत स्कूलों की कर रखी थी। हमने उस पॉलिसी को बदल दिया कि परीक्षा हर बच्चे की होगी, परीक्षा का छोटा मोटा जो भय होता है उससे बच्चा तैयारी करता है, पढ़ता है, हमारे सामने भी कल को किसी बात का कोई टारगेट ना हो, लक्ष्य ना हो, कोई हमारा लालच ना हो तो हम काम नहीं करते, पढ़े भी नहीं करते, तो छोटा बच्चा तो क्यों करेगा, तो परीक्षा होना जरूरी है, हमने बच्चों की परीक्षा शुरू कर दी। फिर उसी में से योजना में से 15 साल के बाद हायर एजुकेशन में कौन पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाई लिखाई के लिए आगे प्रेरित करेंगे, कोई जरूरत है उसकी पूरी करेंगे, 18 साल में उसका वोट बना के नहीं बना घर भेज देंगे, अगर वो कॉलेज से स्कूल से बाहर निकला आगे नहीं पढ़ना चाहता तो साथ ही उसको ड्राइविंग लाइसेंस भी पकड़ा देंगे,
ग्रेजुएट अगर बनता है तो उसको साथ ही पासपोर्ट भी बना के दे देंगे, भाई कभी विदेश जाना हो तो फुर्र करके उड़ जाएंगे और अपना विदेश में जाके काम करके आ जाएंगे। हम उसकी नौकरी के लिए चिंता करेंगे, किसने क्या काम पकड़ा, कौन खाली है, जो जिसमें योग्यता है, जो जिसमें हुनर है, उसके हिसाब से काम करने का अवसर ये उसको पैदा कराएंगे। एक एक से घर जाकर पूछेंगे काम क्यों नहीं कर रहा भाई, क्या छोटा कर बड़ा कर, काम जरूर कर। हम काम करा के व्यक्ति को स्वाभिमानी बनाना चाहते हैं। मुफ्त का खाना ये लोगों का अगर खास आदत है, इसको बाहर निकालना है। मैंने अपने लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने परिवार के, अपने माँ बाप के लिए, अपने इलाके के लिए अपने आप को हुनरमंद बना के आगे बढ़ाना है। ज्यादा काम करूंगा, देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा, मैं भी आगे बढ़ूंगा, पहले देश बाद में मैं, इस भावना से हम नौजवानों की शिक्षा ये कराएंगे। काम करते करते 60 साल का हो गया, उसको पेंशन मिली कि नहीं मिली, उसके घर जाके पूछेंगे और भाई पेंशन मिली कि नहीं मिली, नहीं मिली जरूरत है, उसी समय उसका पेंशन का कार्ड बनेगा। कोई बीमारी अगर है रिकॉर्ड में आ गई, उसका इलाज क्यों नहीं हो रहा, उसके इलाज के लिए भी वो आए ना आए सरकारी अधिकारी कर्मचारी उसके घर जाएगा, चल तेरा इलाज कराना, तो इलाज के लिए क्यों बैठा घर में, ये व्यवस्था करने वाले। अब ये करने के लिए एक नया डिपार्टमेंट बना रहे हैं और उस डिपार्टमेंट का नाम होगा मानव सभ्यता विभाग, मानव संपदा विभाग ये इसकी मिनिस्ट्री बनेगी। मानव भी जो है वो एक रिसोर्स है, वो एक वैभव उसका कैसे खड़ा हो, वो भी हमारी संपत्ति है। हर व्यक्ति वो कैसे ठीक रहे, ईज ऑफ लिविंग, रहन सहन के तरीके में किस प्रकार से सुगमता आए, ये हमारा एजेंडा है और इस एजेंडे को पूरा करेंगे तो मैं समझता हूँ न केवल देश में, दुनिया में इस प्रकार का काम किसी सरकार ने नहीं किया होगा, जिसको हम करेंगे मित्रों, जिसको हमने पूरा किया। हम लोगों के सामने बहुत विषय है, कई राष्ट्रीय विषय आते हैं, कई प्रदेश के विषय आते हैं, प्रदेश में तो तरक्की, खुशहाली, रोजगार, ये सब विषय है, लेकिन जब देश की बात आती है, तुम्हारे प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार लोकसभा के चुनाव में धारा 370 की बात करके उसको एक मिनट नहीं लगाया, उनको एक हनुमान जी मिल गए, अमित शाह जी राम और हनुमान ने मिलकर के अनुच्छेद 370 रुपए की एक उड़ा दिया, ये देश की अखंडता इसको बरकरार रखा। भारत माता की मित्रों, आज इन चीजों को बनाने के लिए हमारे कांग्रेस के नेता भी मैदान में आ गए हैं। वो कहते हैं हमारी पार्टी की नीति वो खराब हो गई है, मैं तो 370 खत्म करने के लिए कहता हूँ, पार्टी हमारी दूसरा दुश्मन रखती है, ये कल भूपिंदर हुड्डा ने कहा। मैं भूपिंदर सिंह हुड्डा से पूछता हूँ, तुम इतने सालों से कांग्रेस में हो, 10 साल मुख्यमंत्री भी रहे हो, आज से पहले पार्टी की ओर से अगर ऐसा बयान दिलवा देते या अपने आप कह देते, मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ गंगा में हाथ मार लो, यानी कोई अर्थ नहीं। इस प्रकार से ये लोग करते हैं, तरह तरह की लुभावनी बातें करेंगे, लेकिन आपसे निवेदन है वास्तविकता को समझ करके जो होने लायक है जरूर करेंगे, जो नहीं होने लायक हम कह देंगे अभी होने लायक नहीं, जब हो जाएगा तब हम कर देंगे। इसलिए भाई बहनों, पूरा समझ कर सोच कर आपको लगता मैंने अच्छा काम किया तो अगले 5 साल के लिए भी आप हमको अपना आशीर्वाद दें, ताकि हम अगली बार आपकी सेवा करने के लिए आए। आपको मंजूर है? आपको मंजूर है? अगर मंजूर है तो जोरदार तरीके से मेरे जयघोष का, उद्घोष का उत्तर देंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन, आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।